हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खेडूत हब। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको ट्रैक्टर की हेल्प से लाइट पोल को कैसे लगाया जाता है, वो भी बहुत इजी तरीके से। सोचने में लगता है दोस्तों कि लाइट का पोल कैसे लगेगा, कितना हैवी वेट होता है, कितने लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, पर दोस्तों ये हाइड्रोलिक जैक है। ये हाइड्रोलिक के जैक के सहारे से हम सबसे पहले लाइट के पोल को टाई करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो दोस्तों, ये 3 फीट गहरा खड्डा होता है, 1 फीट चौड़ाई, 2 फीट लंबाई। ये देखो दोस्तों, ट्रैक्टर की हेल्प से ये हमारा हाइड्रोलिक शाफ्ट वाला भाग आ चुका है। इसको अब हम चेन की हेल्प से टाई करेंगे, मतलब बांध देंगे। देखो दोस्तों, चेन की हेल्प से बांधा जा रहा है, ये चेन के हेल्प से बांध दिया गया है लाइट पोल को, और बिल्कुल इजीली दोस्तों ये हो जाएगा। हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं एक लाइट पोल को लगाने के लिए। ये थोड़ा लाइट वेट ट्रैक्टर है, इसीलिए आगे दोस्तों इसके आगे हमें थोड़ा वेट लगाना पड़ता है, मतलब 2-3 भाई खड़े हो जाते हैं। ये देखो दोस्तों, तैयारी चालू हो चुकी है, ये अभी लाइट पोल उठाया जा रहा है। ये स्लोली स्लोली उठाया जाता है क्योंकि लाइट पोल टूट ना जाए, और इसके नीचे की साइड में वेट ज़्यादा होता है, इसीलिए नीचे की साइड झुका हुआ रहता है। अब धीरे धीरे उठाएंगे और धीरे धीरे ट्रैक्टर दोस्तों पीछे की तरफ लाएंगे, जैसे ये लाइट पोल हवा में आ जाएगा। लाइट पोल को दोस्तों हवा में लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हम इसको मूव कर सकते हैं। ये देखो, आगे वेट के लिए लड़के खड़े हो चुके हैं, स्लोली स्लोली उठाया जा रहा है। यह आ चुका खड्डे के अंदर लगाने के लिए, चालू कर दिया है। अभी ऐसे उठा के एकदम इजी पोजीशन में इसको अंदर रखा जाएगा। हार्डली दोस्तों 10 मिनट लगता है एक पोल को खड़े करने के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कीप सपोर्टिंग मी। देखो दोस्तों, ये अब इसको हम लेवल के थ्रू सीधा रखा जाएगा। एक भी साइड पे दोस्तों टिल्ट नहीं होना चाहिए, नमा नहीं होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, फाइनली ये लाइट पोल हमारा खड़ा चुका है। बहुत इजीली इसको 3 फीट डेप्थ गहराई में रखा हुआ है। थैंक यू दोस्तों, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।